Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Sharif Nalam College of Health Sciences, Multan. Today our topic of discussion is walls of the heart. हम लोगों ने heart की anatomy को discuss करना start किया हुआ था. इससे पहले हम लोग heart के structure को जब देख रहे थे तो हम heart की coverings यानी कि layers of the heart जिसे हम जो protection कर रही होती है heart की, ठीक है, उसको देखा था. नेक्स्ट हमने उसकी वॉल्व को देखा था, मतलब जो दिल की दीवार होती है. और उसके बाद हमने चैम्बर्स ऑफ द हार्ट यानी कि दिल के खाने, इनको देखा था कि दिल के कितने खाने होते हैं. हमारे पास चार खाने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, टू एट्रिया और टू वेंट्रिकल्स, ठीक है. अब जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ना है, आज हमने उसको डिस्कस करना है, वॉल्व ऑफ द हार्ट. वॉल्व कहते हैं वेल्व्स ऑफ द हार्ट. बेसिकली वेल्व्स क्या होते हैं, ये दरवाजे की तरह का काम करते हैं. और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जब भी खून एक खाने से दूसरे खाने में या एक वन चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ जाए तो वेब फ्लो ना कर सके, पीछे की तरफ ना जा सके, खून को वापस पीछे की तरफ जाने से रोकने के लिए ये जैसे ही खून दाखिल होता है ये फौरन बंद हो जाते हैं ताकि खून आगे ही जाए, पीछे की तरफ ना जाए. क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, इसने कम ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म में से रिसीव करना होता है, ठीक है, वो खून जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और ज्यादा ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म को भेजना होता है. तो क्या होता है, कम ऑक्सीजन वाला खून हमारे हार्ट में रहता है, यहाँ से लंग्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजन गैसेस लेता है और वहां से फिर दोबारा जिस्म के हार्ट से होके जिस्म के बाकी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है. इस तरह से कम ऑक्सीजन वाला खून ज्यादा ऑक्सीजन वाले खून से रिप्लेस होता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है. जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोग्राम जितने भी एक्टिविटीज हो रही होती है, ठीक है, उनमें जो है बहुत एसेंशियल होती है. तो सिंपल हम कह सकते हैं कि वॉल्व्स क्या होते हैं हार्ट के, द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट मेंटेन द यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है. यानी कि जो दिल के वॉल्व होते हैं मेंटेन कहते हैं, बरकरार रखते हैं, यूनि डायरेक्शनल. यूनि का मतलब होता है एक डायरेक्शनल तरफा, यानी कि एक तरफा फ्लो कहते हैं बहाव ऑफ ब्लड, यानी के हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो एक तरफा या एक तरफा ब्लड के फ्लो को बरकरार रखते हैं. नेक्स्ट है, देयर आर दी फोर वाल्व्स ऑफ दी हार्ट. चार खाने हैं, फोर चैम्बर हैं और फोर ही हमारे पास वाल्व्स होते हैं. तो किस तरह से फोर वाल्व्स होते हैं, ठीक है, तो माइंड में तो ख्याल आना चाहिए कि जब हमारे चैम्बर्स फोर हैं तो उस लिहाज से तो दो बनने चाहिए. तो उसको देखने से पहले पहले हम थोड़ी सी जो है वो हार्ट की ये देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा होता है और किस तरह से लंग्स में जाता है ताकि फेफड़ों में यानी कि जा रहा होता है. सिंपल अगर मैं आपको बताऊंगी खून कैसे दिल में आता है और कैसे दिल से जाता है, वैसे तो इसको हम डिटेल में फिजियोलॉजी में देखेंगे, लेकिन आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझने के लिए कि कौन सा वाल्व कहाँ मौजूद है ये जरूरी है इसको समझना, ठीक है. सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और जो इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से जो है हमारे ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, ठीक है. इससे भी पहले हम देख लेते हैं कि हार्ट की या खून की तीन नालियां होती हैं, कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज, ठीक है. आर्टरीज क्या करती हैं, ये जिस्म के तमाम हिस्सों में खून को भेजती हैं और दिल से दूर लेके जाती हैं खून को. वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जिस्म से दिल के अंदर लेकर आती हैं, ठीक है. वेन्स जो है अंदर ला रही होती हैं और आर्टरीज जिस्म से बाहर भेज रही होती हैं. जिस्म में सबसे बड़ी आर्टरी का नाम एओर्टा होता है, ठीक है. और बेसिकली होता क्या है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ये वेन्स होती हैं. सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाली, ठीक है, और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे वाली. सुपीरियर वेना कावा से हमारे वो तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि हमारे दिल से ऊपर होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा फेस हो गया, नेक हो गई, ठीक है, और इन तमाम पार्ट से खून जो है वो जिस्म में दाखिल होता है. और इन्फीरियर वेना कावा के जरिए वो पार्ट्स जो कि हमारे हार्ट से नीचे होते हैं, जैसे कि हमारा एब्डोमिनल रीजन है जिसमें हमारा स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन्स, लेग्स वगैरह, ठीक है, इनसे जो है वो ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन वाला खून सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के जरिए हमारे राइट एट्रियम में दाखिल हो जाता है, ठीक है. फोर चैम्बर्स थे हार्ट के, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल, ऊपर वाले एट्रिया से और नीचे वाले वेंट्रिकल्स, ठीक है. सबसे पहले खून कहाँ दाखिल होता है, राइट यानी कि दाएं एट्रियम में. दाएं एट्रियम के बाद खून जाता है हमारे पास दाएं वेंट्रिकल में जो कि इसके नीचे ही मौजूद होता है.
ठीक है, जैसे ही फोन गुजरता है तो वेल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, एक दफा फोन गुजर गया तो वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि वो बैक फ्लो ना, क्योंकि फोन का प्रेशर बहुत तेजी से हो रहा होता है। जो कार्डिक साइकिल है 0.1 सेकेंड से 0.008 सेकेंड तक जो है इसमें कंप्लीट हो रहा होता है, तो इसलिए बहुत माइनर वर्क में इसने करना होता है, बहुत तेज फ्लो होता है, इस वजह से ये वॉल्व काम कर रहे होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। इसके बाद राइट एट्रियम से क्या होता है, दाएं एट्रियम से खून दाएं वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। दाएं वेंट्रिकल के बाद खून ने कहाँ जाना है, आगे इसने जाना होता है एट्रिया के बारे में मैंने बताया था, खून को रिसीव करता है, ठीक है, वेंट्रिकल जो होता है वो आगे भेज रहा होता है। दाएं वेंट्रिकल खून को जो है आर्टरीज के जरिए, आर्टरी का क्या काम था, दिल से बाहर लेके जाना, ठीक है। अब क्या करेगा, आर्टरीज जो है उनको हम पल्मोनरी आर्टरी का दे देंगे ना, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है। अब दाएं वेंट्रिकल से जो है हमारा ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स यानी कि फेफड़ों में जाएगा, वहां से वो ऑक्सीजन लेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मैकेनिज्म पड़ा था उसके थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स, वेन्स का क्या काम होता है, दिल के अंदर खून को लाना, पल्मोनरी वेन्स जो है वो खून को लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही खून आता है वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के जरिए खून को बाहर की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। अगर इस डायग्राम के जरिए देखें, ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के जरिए खून जो है वो हमारा राइट एट्रियम यानी कि दाएं एट्रियम में दाखिल हुआ है, ठीक है। यहां से दाएं वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान भी एक वॉल्व मौजूद होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे खून दाखिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ से खून जो है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी जो है वो जिस्म की तरफ लेके जाती है यानी कि जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ, दिल से बाहर, तो ये यहाँ से दाखिल होने के बाद खून फेफड़ों में जाएगा यानी कि लंग्स में, ठीक है। यहाँ से होता हुआ लंग्स, यहाँ हमारे लंग्स मौजूद होते हैं हार्ट के साथ, फेफड़े जिसे हम कहते हैं, वहां से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद खून पल्मोनरी वेन्स के जरिए, वेन्स क्या करती है, खून को जिस्म से दिल के अंदर लेकर आ रही होती है, तो इन वेन्स के जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए खून लेफ्ट आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम में दाखिल हो जाएगा। जैसे खून जो लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि जो हमारा बायां आर्ट्रियम है इसमें दाखिल होगा, इसके बाद यहां से होता हुआ खून हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मायोकार्डियम की आप अगर देख भी रहे होंगे तो यहाँ पे तह जो होती है वो ज्यादा मोटी होती है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि अब इस खाने से हमने इस चैम्बर से खून को बाकी जिस्म के हिस्सों में प्रेशर से तेजी से भेजना होता है, इस वजह से इसकी जो है वो मायोकार्डियम की लेयर इसके गिर्द ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल यानी के बायां वेंट्रिकल से खून एओर्टा के जरिए जो है वो दाखिल हो जाता है हमारे एओर्टा के जरिए, जिसम के ये एओर्टा मौजूद होता है, ठीक है। एओर्टा के जरिए जो है वो खून दाखिल हो जाएगा हमारे बाहर जिसम के बाकी हिस्सों में दाखिल होता है, और एओर्टा हमारे जिसम की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है। ये सिंपल सा फ्लो था। अब इनको वॉल्व्स को देख लेते हैं, जो दायां और जो दाएं, देखें अगर ऊपर वाले दो खाने थे वो हमारे पास एट्रिया थे और नीचे वाले तो वेंट्रिकल थे, ठीक है। जो वॉल्व दाएं एट्रिया और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ठीक है। यानी कि दाएं एट्रिया और दाएं राइट साइड पे जो भी वॉल्व प्रेजेंट है उसे हम ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। और दाएं एट्रिया से खून दाखिल हुआ था दाएं वेंट्रिकल में, उसके बाद आया था पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। तो राइट एट्रियम, इसके बाद दाएं एट्रियम के बाद खून जब पल्मोनरी आर्टरी में दाखिल हुआ था तो इनके दरमियान में भी एक वॉल्व होता है, इसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि पल्मोनरी का वर्ड लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम कह देते हैं पल्मोनरी वॉल्व। उसके बाद खून जो है लंग्स में गया था, लंग्स से जाने के बाद राइट एट्रियम में दाखिल हो गया था, ठीक है। राइट एट्रियम में से दाखिल होने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आया था, वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया था, तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकैप्सिड वॉल्व, ठीक है। जो राइट एट्रियम और राइट
वेंट्रिकल के दरमियान, जो दाएं हिस्से के आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व, जो हमारे बाएं वेंट्रिकल और बाएं आर्ट्रिया के दरमियान एट्रियम के दरमियान होता है उसको हम कहते हैं बाइकैप्सिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। ठीक है, दाएं और बाएं में ही रखना है। बाएं तरफ हमारे बाइकैप्सिड होता है, बाई का मतलब होता है दो, और इस तरफ जो होता है हमारे से ट्राइकैप्सिड कहते हैं, यानी कि तीन। ठीक है, ट्राइकैप्सिड वॉल्व। उसके बाद क्या होता है, जब खून दाखिल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके बाद उसने जब जिस्म से बाहर जाना होता है तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होता है उसको हम एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, यानी कि एओर्टा से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हमारे पास अगर आप लोग डायग्राम में देख रहे हो तो जो रेड कलर की दिख रही है ये हमारे पास एओर्टा होती है। ठीक है, एओर्टा का काम क्या होता है, इसने जिस्म से के बाकी हिस्सों में खून को भेजना होता है जिस्म के अंदर से। इंस्पीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से खून हमारे राइट एट्रियम में आए, राइट से हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इन दोनों के दरमियान राइट पार्ट में, यानी कि हमारे दाएं हिस्से में, दाएं जो वेंट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उनको हम ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं। इनसे खून जो होता है इनके जरिए दाखिल हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट से आगे अगर लंग्स को भेजना है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल्स और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके दरमियान जो वॉल्व मौजूद होता है उसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है, इन दोनों के दरमियान जो वॉल्व होता है उसको हम बाइकैप्सिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। उसके बाद खून जो होता है जिसम से बाहर जाना होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वॉल्व मौजूद होता है उसको हम एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी थी। अब इनके नेम्स देख लेते हैं, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल या बाइकैप्सिड, कैप्सिड वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व, ये इनके नेम है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नेम है ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ट्राई का मतलब थीन होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये हमारे दाएं एट्रिया और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी का वर्ड जो है वो लंग्स को शो कर रहा है, तो यानी कि ये वो वॉल्व होगा जो कि हमारे अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान मौजूद होता होगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी क्या करती है, दिल से जो होते हैं खून को जिस्म के दूसरे हिस्सों में भेजती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिट्रल वॉल्व, जिसे हम बाइकैप्सिड वॉल्व भी कहते हैं, ये हमारे दिल के लेफ्ट पार्ट में मौजूद होता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ठीक है, मिट्रल वॉल्व या बाइकैप्सिड वॉल्व भी इसे कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है एओर्टा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड एओर्टा में जाता है। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, जिसने पूरे जिस्म के हिस्सों को खून फ्राहम करना होता है। बेसिकली एओर्टा जिस्म के किस हिस्से में खुलती है, जाके दिल से हमारे एब्डोमेन यानी कि पेट वाले हिस्से में खुलती है, वहां से एओर्टा जो है वो आर्टरीज और जो होती है कैपिलरीज के जरिए जो जिस्म के तमाम टिश्यूज और तमाम सेल्स तक ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है, तो एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, ये चार वॉल्व्स हैं और ये फोर वॉल्व्स हैं हार्ट के, और इनकी प्रेजेंस है कि कहाँ होते हैं उनके नेम है। आप लोगों ने जस्ट इनके नेम याद करने हैं और इनकी प्रेजेंस। ठीक है, बाकी एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ से दाखिल हो रहा है। स्पीगर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, जिस्म के ऊपर और नीचे वाले हिस्सों से जो है हमारे ब्लड को हार्ट में लेकर आते हैं। हार्ट में सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, दाएं एट्रियम में। यहाँ से ट्राइकैप्सिड वॉल्व्स के, कैप्सिड वॉल्व्स के जरिए हमारे जो है राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, आर्टरी का काम जिस्म के दूसरे हिस्सों में खून को पहुंचाना होता है, हमारे ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ यानी कि फेफड़ों की तरफ भेजती है, जहां पे कम ऑक्सीजन वाला खून जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है हमारे लंग्स में, गैसेस एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे। यहाँ से लंग्स से जो होता है वो फिर दोबारा दिल के अंदर खून दाखिल होना है, तो उसके लिए जो होता है पल्मोनरी वेन्स होती है जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में खून को दाखिल कर रही होती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से खून जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल होता है, और इन दोनों के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं या बाइकैप्सिड वॉल्व भी कहते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है।
उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में एओर्टिक वॉल्व मौजूद होता है, ठीक है। बाएं वेंट्रिकल से खून एओर्टा में आता है, एओर्टा जो होता है वो प्रेशर के साथ खून को जिस्म के बाकी हिस्सों में जो है वो पंप करता है। ये था कैसे ब्लड फ्लो होता है और क्या क्या कर रहा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।